सोमवार को हल्की फुल्की बारिश ने ही नदी नाले उफान पर ला दिए और बागली के नजदीक एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें देखते ही देखते जिंदगियां मौत के मुंह में बह गई। देखिए किस तरह से एक छोटी सी लापरवाही मौत की लहरों पर हादसे का सबब बन गई। देखिए ये रिपोर्ट। ये नज़ारा है बागली के नज़दीक का, जहां पुल पार करते वक्त एक वैन में सवार 5 लोग हादसे का शिकार हो गए। पानी का बहाव इस कदर था कि वैन लहरों के साथ बहती चली गई। बमुश्किल एक युवक ने तो कूद कर अपनी जान बचा ली, लेकिन ड्राइवर सहित 3 लोग खुद को इस हादसे से बचा नहीं पाए। वैन का ड्राइवर कई बार कोशिशें करता है, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब रहती है और पानी के साथ मौत के मुंह में समा जाती है कार। गाड़ी चला रहे थे, हाथ धो लिया तो नीचे पड़ गया। 4 जना था पकड़ दिया, फिर एक तो मैं मम्मी, देखा भाई, एक कस्तूरी भाई, एक बाबू, एक पप्पू, 4 जन। मैं पड़ी अंदर चली गई तो फिर मैं तीरी के ऊपर आई। ये हादसा बागली तहसील के कमलापुर हाट पीपलिया मार्ग पर हुआ, जहां एक मारुति वैन देखते ही देखते काल के मुंह में समा गई। कमलापुर का एक परिवार जो था वो पप्पू ड्राइवर के साथ वैन में हाट पीपलिया इलाज के लिए गया हुआ था, जिसमें रेखा बाई और कस्तूरी, अर्जुन और बाबूलाल, ये 4 लोग थे। तो यहाँ पर एक सामजी केलोत के पास जो नाला है उसमें पानी थोड़ा बह रहा था, तो वो वेन को उससे निकाला तो वेन बह गई। अर्जुन तो कूद गया था और जो शेष 4 बह गए थे उसमें पप्पू और रेखा भाई की लाश हमने रिकवर कर ली है। बाकी हम ग्रामवासियों की मदद से 2 लोग और जो बाबूलाल और कस्तूरी है उनकी पूरे इस नाले में उसकी पतासाजी कर रहे हैं, और होमगार्ड का जो तैराक दल है वो भी कुछ ही देर में आने वाला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुल 5 यात्री इस गाड़ी में सवार थे, जिसमें से एक ने कूद कर अपनी जान बचाई। घटना डहरिया नाले की है, जहां मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कई कोशिशें की और राहत दल को भी उतारा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, बागली।